नीट का, जिसके जरिए विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा। अगर हमारी जिम्मेदारी विरोध की है तो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि प्रॉब्लम लेके आप आइए, लेकिन उसका एक कुछ सलूशन भी, ऑलवेज कम विद सलूशन। नहीं चाहते तो नीट पर ही बात करते, आप सिर्फ नीट पर बात करते, और आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कोई सरकार अपनी गलती को स्वीकार करती हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट का जिक्र किया गया, मुझे तो उपलब्धियों के अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ नहीं सुनाई देता। संसदीय इतिहास में पहली बार सदन का पहला सत्र इतना छोटा है, मतलब पिछले 2019 का आप याद कीजिए 40 दिन का था, 5 दिन में आप सत्र निपटा दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब हम इंतजार कीजिए कि जब राष्ट्रपति के भाषण में बहस होगी तब आप चर्चा कर लीजिएगा। राहुल गांधी तो एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला था, राहुल गांधी ने उसे अनावश्यक रूप से गवा दिया है, वो अपनी बात रख सकते थे। और लिहाजा बाकी देखिए, संसद का तो एक समय होता है, संसद के बाहर तो आपके पास पूरा समय, आप बाहर भी सरकार को घेर सकते हो। चर्चा हो जाती, 2 घंटे की चर्चा हो जाती, जरूरी पूरे दिन चर्चा हो, 2 घंटे 3 घंटे की चर्चा हो जाती और सरकार अपना एक सारा रख देती कि ये कार्यवाही हो रही है और उसके बाद सदन आगे बढ़ जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत थी? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से एक मैसेज जाए, वो सरकार को घेरने की कोशिश नहीं थी, वो था कि सदन की तरफ से दोनों साइड को मिला के एक भरोसे की बात की जाए, जो कि ताकि स्टूडेंट्स जो अभी परेशान है उनको एक भरोसा हो। आगे आने वाले समय में जो दिख रहा स्कोप अगर है तो बनाना भी चाहिए और चर्चा जरूर हो, और जो भी दोषी पाए जाए जरूर उन पे सख्त कार्रवाई हो। और इसमें मुझे लगता है कि सरकार, ऑफ कोर्स सरकार जो है वो प्रशासन देखती है, तो सरकार जो है ये समझे कि नहीं, इसमें जो भी दोषी है जहां भी पाया जाए उसको हम करें, बहुत दिल कड़ा करने की जरूरत है।